हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द हार्ट इज़ अ रफली कोन शेप्ड हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। हमारा जो हार्ट होता है ये हॉलो मतलब अंदर से खाली होता है। ठीक है, हॉलो कोन शेप का ऑर्गन होता है। ठीक है, इट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज अबाउट द साइज ऑफ ओनर्स फिस्ट। मतलब कि इसका जो ये जो लेंथ होती है इसकी 10 सेंटीमीटर होती है, और इसका जो साइज़ होता है जो कि नीचे की जो फिस्ट मतलब मुट्ठी होती है उसके बराबर का होता है। ठीक है, इट वेज अबाउट 225 ग्राम इन वुमेन एंड इन अ मैन अबाउट 310 ग्राम। ये हमारे जो फीमेल्स होती हैं उनमें 225 ग्राम का होता है और मेंस में 310 ग्राम का होता है। ठीक है, मतलब कि ये मेंस में ज़्यादा वेट होता है फीमेल्स के अकॉर्डिंग। ठीक, पोजिशन। हमारा मतलब हार्ट जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में। द हार्ट लाइज इन द थोरेसिक कैविटी इन द मीडियास्टिनम बिटवीन द लंग्स। इट लाइज ऑब्लिकली लिटिल मोर टू द लेफ्ट देन राइट एंड प्रेजेंट्स द बेस अबव एंड एपेक्स बिलो। मतलब ये हमारा लंग्स के बीच में एक स्पेस होती है उसे हम बोलते हैं मीडियास्टिनम रीजन, जहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। हमारे अपर पोर्शन ऑफ हार्ट को हम बेस बोलते हैं और लोअर पार्ट को हम एपेक्स बोलते हैं। हमारा जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइट के अकॉर्डिंग मतलब राइट राइट साइड में थोड़ा हार्ट का पार्ट होता है वो लेस होता है, और लेफ्ट साइड में थोड़ा ज़्यादा पार्ट होता है वो थोड़ा टिल्ट होता है। ठीक है, हम देखते हैं पिक्चर के अकॉर्डिंग। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं हमारा ये हार्ट है, ये हमारा दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंट है राइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारा हार्ट की पोजीशन हो गई। हम देखेंगे एसोसिएटेड ऑर्गन्स, मतलब हमारे हार्ट में आस पास मतलब अपर पोर्शन में, लोअर पोर्शन में, बैक फॉरवर्ड में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्फीरियरली द एपेक्स रेस्ट ऑन द सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। मतलब हमारे हार्ट के जो नीचे हमारा जो डायफ्राम होता है वो उसके टेंडन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, सुपीरियरली अपर पार्ट में एओर्टा, सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेंस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, पोस्टीरियर मतलब हमारे हार्ट के पीछे साइड पे इसोफेगस, ट्रैकिया, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, डिसेंडिंग एओर्टा, ये सारे पार्ट हमारे हार्ट के बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं। लेटरली मतलब इसके साइड में कौन कौन से पार्ट होते हैं। लेफ्ट लंग ओवरलैप द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, मतलब हमारे साइड में लंग्स प्रेजेंट होते हैं मेनली, जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट होता है उसके ऊपर लेफ्ट पार्ट ऑफ लंग्स ओवरलैप करता है। ठीक है, अगला हमारा आएगा इंटीरियरली, मतलब हमारे फ्रंट पोर्शन में हार्ट के क्या क्या प्रेजेंट होता है। स्टर्नम होती है, रिब्स होती है, इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हमारे सारे पार्ट्स हार्ट के फ्रंट पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। हम पिक्चर के हिसाब से देखते हैं, जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, हमारा ये हार्ट जैसे कि प्रेजेंट है हमारे हार्ट के इन्फीरियरली, ये हमारा डायफ्राम है। ठीक है, तो इन्फीरियरली डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ठीक, फिर सुपीरियरली हम देखेंगे हमारा ये एओर्टा रेड कलर, ये हमारी एओर्टा प्रेजेंट होगी। ठीक है, जो रेड कलर की है ये हमारी एओर्टा हो जाएगी। हमारी ये सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, ये जो हमारी ये जो है ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगी। ये हमारी जो दो दिख रही हैं ये हमारी पल्मोनरी वेंस हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम देखते हैं पोस्टीरियरली, मतलब इसके बैक साइड पे हमारा हमारा ऊपर से इसोफेगस आएगा वो प्रेजेंट होगा, और सारे पार्ट प्रेजेंट। लेटरली हम देख सकते हैं हमारे ये लंग है और ये हमारा लेफ्ट साइड लंग का लेफ्ट साइड हार्ट पे ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, और एंटीरियरली जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं हमारा रिप्स, स्टर्नम और इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर हम देखेंगे। द हार्ट वॉल मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स। हमारे जो हार्ट होता है वो तीन लेयर्स का बना होता है। सबसे पहले पेरिकार्डियम। द पेरिकार्डियम इज मेड अप ऑफ टू सैक्स, द आउटर सैक एंड द इनर सैक। मतलब जो पेरिकार्डियम लेयर होती है आउटर मोस्ट लेयर हार्ट की, ये दो लेयर इसके ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, दो सैक्स होते हैं। ठीक है, एक आउटर सैक, दूसरा इनर सैक। जो हमारा आउटर सैक होता है, द आउटर फाइब्रस सैक, जो हमारा आउटर सैक होता है हमारा फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। ठीक है, द अदर फाइब्रस सैक इज द आउटर फाइब्रस सैक इज कंटिन्यूस विद द ट्यूनिका एडवेंटिशिया ऑफ द ग्रेट ब्लड वेसल्स अबव एंड इज एडहेरेंट टू द डायफ्राम बिलो। इट्स इन इलास्टिक फाइब्रस नेचर प्रिवेंट्स ओवर डिस्टेंशन ऑफ हार्ट। हमारा जो फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है हार्ट में आउटर सैक में, ये हमारा अपर पोर्शन में हमारी जो ग्रेट ब्लड वेसल्स होती है उसे कंटिन्यू करता है, और लोअर पोर्शन में डायफ्राम से कंटिन्यू करता है। ठीक है, और हमारा इसका जो फाइब्रस नेचर है ये हमारे हार्ट के ओवर डिस्टेंशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, उसके बाद द इनर सैक ऑफ अ कंटिन्यूस
डबल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन, द आउटर लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन द पैराइटल पेरिकार्डियम लाइंस द फाइब्रस सैक, द इनर लेयर द विसर पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम विच इज कंटेन विद द पैराइटल पेरिकार्डियम इज एडहेरेंट टू द हार्ट मसल्स। हमारा सबसे हमारा दो सैक होते हैं, आउटर सैक इनर सैक। हमारा आउटर फाइब्रस सैक होता है, जो हमारा इनर सैक होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, पैराइटल पेरिकार्डियम विसर पेरिकार्डियम। ठीक है, हमारा पैराइटल पेरिकार्डियम जो होता है ये आउटर पार्ट होता है, ये हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम हमारा फाइब्र आउटर सैक होता है उसके जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हमारा पैराइटल और विसर पेरिकार्डियम के बीच में स्पेस होती है जिसमें हमारा पेरिकार्डियल फ्लूड प्रेजेंट होता है जो कि एपिथेलियल सेल्स सिक्रीट करती हैं। ठीक है, मायोकार्डियम, द मायोकार्डियम इज कंपोज ऑफ स्पेशलाइज कार्डियक मसल्स फाउंड ओनली इन हार्ट। इट इज नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल बट लाइक स्केलेटल मसल्स कॉज स्ट्राइप्स आर सीन ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। मायोकार्डियम हमारा जी हमारी मायोकार्डियम जो मसल होती है स्पेशलाइज मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जैसे कि हमारी स्केलेटल मसल्स में स्ट्रिएटेड होती है या स्ट्राइप्स प्रेजेंट होती है, वैसे ही हमारी मायोकार्डियल मसल में स्ट्राइप्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ईच फाइबर हैज़ अ न्यूक्लियस एंड वन एंड मोर ब्रांचेज, द एंड्स ऑफ द सेल एंड देयर ब्रांचेज आर इन वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एंड्स एंड ब्रांच एडजेसेंट सेल्स। हमारी जो मायोकार्डियम मसल होती है ये हमारी फाइबर जो इसके होते हैं उसमें हर एक में एक न्यूक्लियस और एक से ज़्यादा ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, और ये हर एक मसल की ब्रांच दूसरे एडजेसेंट मसल ब्रांच से अटैच होती है जिसकी वजह से ये एक शीट का फॉर्मेशन करती हैं या एक सीट का अपीयरेंस देती हैं। ठीक है, दिस अपेरेंट गिव्स कार्डियक मसल द अपीयरेंस ऑफ बींग अ शीट ऑफ मसल रादर देन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। बिकॉज ऑफ द एंड टू एंड कंटिन्यूटी ऑफ द फाइबर्स ईच वन डज नॉट नीड टू हैव सेपरेट नर्व सप्लाई। इसीलिए हमारा मायोकार्डियम जो हमारे स्केलेटल मसल्स की तरह होता है स्ट्राइप प्रेजेंट होती है, इस वजह से इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो एक दूसरे से अटैच होती हैं, इस वजह से एक सीट का लुक अपीयरेंस देता है। सीट लुक अपीयरेंस की वजह से इसमें वेरियस नंबर ऑफ नर्व सप्लाई की जरूरत नहीं होती, एक ही नर्व पूरी मसल को सप्लाई करती है जो कि इक्वल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अगला आएगा हमारा एंडोकार्डियम, दिस फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द मायोकार्डियम एंड द हार्ट वेल्व्स। इट इज थिन स्मूथ ग्लिस्टनिंग मेम्ब्रेन विच परमिट्स स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड इन साइड द हार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट एपिथेलियल सेल्स कंटेन विद द एंडोथेलियम दैट लाइन्स द ब्लड वेसल्स। एंडोकार्डियम जो आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे वेल्व्स और इन सभी को लाइनिंग करती है। ठीक है, ये हमारा थिन और स्मूथ होता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं, जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं हमारा सबसे पहले आएगा फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, ये हमारी सबसे आउटर मोस्ट है, उसका हमारा आएगा पैराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, ये हमारी पेरिकार्डियल कैविटी है, उसका हमारा विसरल पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। जैसे हम पिक्चर में देखते हैं हमारा जो मायोकार्डियम है ये हमारा एक स्ट्रीट का लुक है, इसलिए इसमें अलग अलग सप्लाई की जरूरत नहीं होती, नर्व सप्लाई एक ही हो सकती है। ठीक है, अगला इंटीरियर ऑफ हार्ट, मतलब हमारे हार्ट के इंटीरियर में क्या क्या होता है। हार्ट मेनी डिवाइडेड टू राइट एंड लेफ्ट पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ फोर चैम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, देयर आर फोर वेल्स, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल, राइट लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल, एओर्टिक वेल, पल्मोनरी वेल। हमारे हार्ट के इंटीरियर पार्ट में हमारा हार्ट जो होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट पार्ट में। ठीक है, हमारा जो हार्ट होता है ये इसके मेनली चार चैम्बर्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। हमारा जो राइट और लेफ्ट एट्रियम होता है वो एट्रियल सेप्टम के से सेपरेटेड होता है, जो हमारे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल होती है वो वेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेटेड होती है। ठीक है, और इसमें चार वेल्व मेनली प्रेजेंट होते हैं, राइट और लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, एओर्टिक वेल्व जो हमारा एओर्टा में प्रेजेंट होता है, पल्मोनरी वेल्व जो हमारे पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं हमारे हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और चार वेल्व हमने पढ़े, हमारा ट्राइकस्पिड वेल्व इसे हम बोलते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, मिट्रल वेल्व को ही हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर वेल्व, हमारा ये पल्मोनिक वेल्व और ये हमारा एओर्टिक वेल्व। ठीक है, ये हमारा हो गया इंटीरियर ऑफ हार्ट, फ्लो ऑफ ब्लड। हम देखें हमारे हार्ट में जो ब्लड का फ्लो होता है वो कैसे होता है। ब्लड थ्रू सुपीरियर इनफीरियर वेना कावा एंटर इनटू राइट वेंट्रिकल, मूव इनटू राइट एट्रियम, मूव टू राइट वेंट्रिकल थ्रू राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल गोज टू लंग थ्रू पल्मोनरी आर्टरी फॉर ऑक्सीजनेशन, फ्रॉम लंग्स इनटू लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेंस, फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकुलर वेल्व, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा थ्रू एओर्टिक वेल्व टू होल बॉडी एंड हार्ट इटसेल्फ। हम पिक्चर से समझते जो हमने भी पढ़ा, हमारा हार्ट में हमारा ये राइट एट्रियम में ब्लड हमारा सुपीरियर और हमारा इन्फीरियर वेना कावा से एंटर करता है, यहाँ से हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। ठीक है,
ये हमारा राइट वेंट्रिकल में ब्लड है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, ठीक है। यहाँ से हमारा ये ऑक्सीजनेशन के चला जाएगा, ऑक्सीजनेशन के बाद हमारा ब्लड जो है ये पल्मोनरी वेंस के थ्रू हमारे लेफ़्ट एट्रियम में आता है, लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड हमारा फिर मिट्रल वाल्व के थ्रू हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा फिर एओर्टा में, फिर एओर्टा से हमारा पूरी बॉडी में, और ये हमारी तीन आर्टरीज होती हैं कैरोटिड आर्टरी जो कि हार्ट को सप्लाई करती हैं ब्लड, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्लो ऑफ ब्लड। आज का हमने सेशन में देखा हमारा हार्ट का पोजीशन, हार्ट के एसोसिएटेड ऑर्गन्स, उसका फ्लो ऑफ ब्लड, उसका इंटीरियर ऑफ हार्ट। आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।